तो हेलो फ्रेंड्स, एक और न्यू वैकेंसी निकाली गई है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और इस वैकेंसी के तहत जिन्होंने कंप्यूटर पास किया है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर ऑफिस है और इसी जगह पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। जॉब भी परमानेंट रहेंगी और आपको कई प्राइवेट सुविधा भी यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप इसका विज्ञापन देखना चाहते हैं तो इसी की वेबसाइट पर आपको मिलता है करंट एडवर्टाइजमेंट में, इस जगह पर लिंक दी हुई है। पहले तो आपको इसमें दोस्तों अप्लाई करने से पहले यहाँ पे एक जो ऑनलाइन लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है, जो कि 29 तारीख को एक्टिवेट होगी। उसका फिर प्रिंट आउट निकालना और उसको इस भी पोस्ट के माध्यम से इनके ऑफिस में भेजना है आपको इस जगह पे। अगर आपका यहाँ पे दोस्तों सब कुछ अच्छा रहता है, आपके पास अच्छे खासा अनुभव है या आपको अच्छा नॉलेज है, तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू और आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। और उसमें आप अगर निकाल लेते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ये देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पे पूरी पोस्ट बताई गई है, जैसे कि रजिस्ट्रार की, लाइब्रेरियन की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर डिज़ाइन, टेक्निकल ऑफिसर ECE, मेडिकल ऑफिसर ऑन कॉन्टैक्ट, मेडिकल मेल स्टाफ नर्स ऑन कॉन्टैक्ट। और फिर यहाँ पर आती है अपनी वाली पोस्ट जूनियर असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन की। जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर 13 पोस्ट है और जूनियर टेक्नीशियन की यहाँ पे 13 पोस्ट है। आपको यहाँ पे मिलेंगी 21,700 से 17,700 का यहाँ पे स्केल दोनों में रखा गया है। और एजुकेशन डिटेल्स की हम बात करते हैं तो जो एजुकेशन रहेगा यहाँ पे टेक्निकल जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, ग्रेजुएशन की, जैसे कि BA, BSc, BCom, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य है। तो कंप्यूटर चलाते आता है तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे 27 वर्ष है जूनियर असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पे है जो टेक्नीशियन की, तो जूनियर टेक्नीशियन में भी अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष है। और यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री, जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर में है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और BCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसकी वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो उसका जो प्रिंट आउट रहेगा, प्रिंट आउट निकालना और स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है उसको। और उसमें आपको ध्यान रखना, जो लिफाफा रहेगा उसके ऊपर जरूर लिखना किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का नाम लिख देंगे। और जो हार्ड कॉपीज है उसके साथ में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेजना, आपको कुरियर के माध्यम से नहीं भेजना है। और आपका जो है यहाँ पर जो आवेदन है दोस्तों 25 फरवरी 2024 तक पहुँच जाना चाहिए। और जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे वो 25 जनवरी 2024 तक आपका ही यहाँ पे समय दिया गया है, तब तक आप भर सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस दोस्तों यहाँ पे कहीं भी नहीं बताई गई है, तो आप यहाँ पे निःशुल्क रूप से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो फॉर्म भरने की लिंक है वो 29 दिसंबर से एक्टिवेट होंगी। तो इंटरनेट पर आपके मोबाइल में आप सर्च कर सकते हैं, आप चाहे तो उसी से भर लीजिए या किसी इंटरनेट कैफे MPL में भी जा सकते हैं। तो ये तो थी दोस्तों आज की वैकेंसी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।